Hello everyone, very good morning. I hope everyone is present. If you discuss the chapter number 7, the fine art can see article, which is our second last chapter. Hai. Chapter number 8, which is the last chapter, we will discuss in the next video. This video will be part of finish a small chapter. Hai. Chapter name is Indian Bronze Sculpture. Indian sculpture has mastered the bronze medium and casting process much as they have mastered terracotta sculpture in India wale, and bronze mein both. जैसे में सिरे पर दू जो कि एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक को हम बोलते हैं जिसमें मोम को हम उस स्टेज में फिल कर देते हैं देन उसको बाहर निकालते हैं जो कि हमने कहाँ पे सीखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसका दूसरा नाम याद रखना सिरे पर दू अलोंग विद इट वाज डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अलॉय ऑफ मेटल्स बाय मिक्सिंग कॉपर जिंक एंड टिन को मिला के हम ब्रॉन्ज बनाते थे तो ये भी इन्होंने सीख लिया था कि कैसे कॉपर जिंक एंड टिन टिन को मिला के हम ब्रॉन्ज बना रहे ब्रॉन्ज बेसिकली स्टेच्यू ऑफ बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन इनके हमें स्टेच्यू वगैरह मिले हैं फ्रॉम मेनी रीजन्स ऑफ द इंडिया देन डेटिंग फ्रॉम द सेकंड सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक मोस्ट ऑफ दीज वर यूज इन द रिचुअल वर्शिप में इसको यूज किया जाता था एंड बेसिकली उसमें एडवांसमेंट इन बोल सकते हैं जैसे टेराकोटा तो खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं पानी वगैरह लगा तो थोड़ा सा एडवांसमेंट वो लोग लेके आए थे एंड कैरेक्टराइज बाई एक्सिक्यूट ब्यूटी थी एस्थेटिक अपील यहाँ पे दी गई थी एट द सेम टाइम मेटल कास्टिंग प्रोसेस जो था ये भी कंटिन्यू हो रहा था यूटिलाइज फॉर मेकिंग आर्टिकल और वेरियस पर्पस जैसे डेली लाइफ के कुकिंग ईटिंग ड्रिंकिंग ये सब आप बना रहे थे प्रेजेंट डे ट्राइबल कम्युनिटी जो थी आज भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करती परहैप्स डांसिंग गर्ल जो थी मोहनजोदारो से जो कि सबसे पुरानी ब्रॉन्ज स्कल्पचर हमें मिली थी 2,500 साल पहले के द लिम्स एंड टॉर्सो ऑफ दिस फीमेल 2500 BC की तो आज से तो 4,000 साल पहले की हुई उन्होंने 2500 फीमेल फिगर और सिंपलीफाइड इन ट्यूबुलर फॉर्म सिमिलर ब्रॉन्ज स्कल्पचर आपको कहां पे मिला है डिस्कवर्ड फ्रॉम दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में ठीक है 1500 BC में देन सिग्निफिकेंट इज द चैरियट जबकि व्हील्स ऑफ व्हिच आर रिप्रेजेंट इन सिंपल सर्कुलर शेप व्हाइल द ड्राइवर ऑफ ह्यूमन राइडर हैव बीन एलोंगेटेड एंड द व्हील्स आर फ्रंट फ्रॉम मॉडल स्टडी तो यहां पे दैमाबाद में यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज का वो मिला है इंटरेस्टिंगली जैन में तीर्थंकर हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चौसा बिना ये भी आपको कुषाण पीरियड के टाइम पीरियड में सेकंड सेंचुरी की मिली है तो ब्रॉन्ज के आपको आर्टिकल जगह जगह से मिल रहे हैं एंड दिस ब्रॉन्ज शोज हाउ द इंडियन स्कल्पचर हैड मास्टर्ड द मॉडलिंग ऑफ मस्कुलाइन ह्यूमन फिजिक लोग कैसे बनाते थे और सिंप्लीफाइड मसल्स एंड रिमार्केबल विद द डिपिक्शन ऑफ आदिनाथ और ऋषभनाथ लॉन्ग हेयर लॉक्स ड्रॉपिंग ऑफ हिज शोल्डर तो जो जैन तीर्थंकर थे स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड उनके कंटेस्ट में भी उन्होंने बहुत कुछ बनाया है अदरवाइज जैन तीर्थंकर आर नोटेड बाय देयर शॉर्ट कर्ली हेयर बाकी के शॉर्ट कर्ली लेकिन इनके थोड़े बड़े हेयर इन्होंने बनाए थे स्टेच्यूज में ये आपका कलियादमन चोला ब्रॉन्ज जो कि तमिलनाडु से मिला है गुजरात और राजस्थान में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था जैनिज्म का अर्ली टाइम्स में ये फेमस होल्ड ऑफ जैन ब्रॉन्ज काफी मिली है अकोटा जो कि आउटस्कर्ट ऑफ बड़ौदा पे है डेटेड बिटवीन 8th सॉरी एंड ऑफ 5th सेंचुरी के आसपास और 7th सेंचुरी तक फाइनली कास्ट थ्रू द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में दीज ब्रॉन्ज वर ऑफन सब्सिक्वेंटली इनलेड विद द सिल्वर एंड कॉपर ब्रिंग आउट द आइज इसमें क्राउन्स विद द डिटेल ऑफ द टेक्सटाइल ऑन विच द फिगर वर सीटेड एंड मेनी फेमस जैन ब्रॉन्ज आपको मिले हैं फ्रॉम चौसा इन बिहार जो कि आप पटना के म्यूजियम में जाके देख सकते हैं मेनी ऑफ द जैन ब्रॉन्ज हासी हिंद हरियाणा में मिला है वेरी साइड ऑफ तमिलनाडु से मिला है एंड कर्नाटका में भी मिला है जो अलग अलग म्यूजियम में आपको मिला हरियाणा की अगर बात करें तो हासी एज वेल एज रानी लतादरी यहाँ पे आपको जैन की मूर्तियां मिली जो जैन तीर्थंकर थे उनके कंटेस्ट में उसके बाद होर्ड ऑफ ब्रॉन्ज डिस्कवर्ड हुए हैं अकोटा नियर वडोदरा से भी इस्टेब्लिश दैट ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज प्रैक्टिस इन गुजरात इससे पता चलता है कि ब्रॉन्ज टेक्निक गुजरात में भी थी और वेस्टर्न इंडिया में भी 6th एंड 9th सेंचुरी के आसपास मोस्ट इमेज रिप्रेजेंट किसको करेंगे जैन तीर्थंकर को जैसे महावीर पार्श्वनाथ और आदिनाथ ए न्यू फॉर्मेट यहाँ पे इन्वेंट हुआ था जिसमें तीर्थंकर जो थे सीटेड ऑन ए थ्रोन एक थ्रोन के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं एंड दे कैन बी सिंगल हो सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं थ्री हो सकते हैं और 24 तीर्थंकर इनका एक ग्रुप भी हो सकता है फीमेल इमेज और ऑल्सो कास्ट रिप्रेजेंटिंग जिसमें यक्षिणी और शनसान शासन देवी जो कि प्रोमिनेंट तीर्थंकर थी स्टाइलिस्टिकली तो ये पूछ सकता शनसान देवी ये क्या थी और कौन से सेक्ट के साथ एसोसिएटेड थी
कौन से रिलीजियन से एसोसिएट थी? तो याद रखना है जैन के साथ, संसान देवी, ये दी मोस्ट है। स्टाइलिस्टिकली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीचर ऑफ बोथ गुप्ता एंड वकाटका पीरियड का इन्फ्लुएंस इन पे आया है, जिसमें चक्रेश्वरी और संसन देवी ऑफ आदिनाथ, अंबिका जिसमें नेमिनाथ, इनके साथ इनको बताया गया। शिवा की फैमिली 10th सेंचुरी में, इसको बताया गया बिहार, एंड गणेश 7th सेंचुरी में कश्मीर से मिले हैं, तो उनको एज ए रिप्रेजेंट कर रहे थे फैमिली के साथ कि ये पार्वती है, गणेश जी है, उस हिसाब से। मैंने स्टैंडिंग बुद्धा इमेज भी आपको मिली है, जिसमें राइट हैंड अभय मुद्रा से, जो कि नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश बिहार के रीजन में, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता का इन्फ्लुएंस है इस पे। 5th और 6th सेंचुरी का है सनघाती, याद रखना है, जो कि क्या है, एक मोंक्स रोब इज रैप्ड टू कवर द शोल्डर विच टर्न्स आउट द राइट आर्म व्हाइल द अदर एंड ऑफ द ड्रेपरी इज वेप्ड ओवर द लेफ्ट आर्म। इवेंचुअली द प्लीट आर हेल्ड बाय द एक्सटेंड हैंड ऑफ द सेम आर्म एंड ड्रेपरी फॉल द स्प्रेड इनटू ए वाइड कर्व एट द लेवल ऑफ एंकल्स। बुद्धा की जो फिगर है इज मॉडल्ड इन द स्वेटल मैनर सजेस्टिंग दैट द सेम टाइम द थिन क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, यहाँ बताया गया है, होल फिगर इज क्रिएटेड विद द रिफाइनमेंट। देर इज ए सर्टेन डेलिसी, यहाँ पे बताई गई है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ टोर्सो, फिगर अपियर यूथफुल एंड प्रोपोर्शनेट इन कंपेरिजन विद द कुषाण स्टाइल के साथ। इन द टिपिकल ब्रॉन्ज फ्रॉम दनेश्वर खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला था, फोल्ड ऑफ द ड्रेपरी आर ट्रीटेड विद द मथुरा स्टाइल का इन्फ्लुएंस था। एनीमे सीरीज ऑफ ड्रॉपिंग डाउन कर्व्स, सारनाथ स्टाइल्स जो ब्रॉन्ज था है वो फोल्डलेसली ड्रेप, एंड आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बुद्धा इमेज, जो कि कहाँ पे मिली थी, सुल्तानगंज में बिहार में, एंड विच इज क्वाइट मोन्यूमेंटल ब्रॉन्ज फिगर है। द टिपिकल रिफाइंड क्वालिटी ऑफ दिस ब्रॉन्ज आर हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल क्वालिटी। देन वकाटका ब्रॉन्ज जो था बुद्धिस्ट का, कहाँ पे मिला है, कोकनार मध्य महाराष्ट्र में, कंटेम्पोररी थे गुप्ता पीरियड के, एंड दिस शो द इन्फ्लुएंस ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कराई थी। ये आपका देवी चोला ब्रॉन्ज स्टैम्प वो है स्टेचू। देख लेते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या थी। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इज ए टेक्निक यूज, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का कि डिफाइन द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। तो एक टेक्निक थी यूज फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल्स स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस रीजन में बेसिकली फेमस थी, एंड ए स्लाइटली डिफरेंट टेक्निक इसमें यूज होती थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक बेसिकली इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैक्स मॉडल ऑफ द इमेज इज मेड बाय हैंड ऑफ प्योर बीज वैक्स दैट हैड बीन मॉडल दैट हैड बीन मेल्टेड ओवर ए ओपन फायर, जिसको ओपन फायर पे आप रख दोगे, एंड देन स्ट्रेन्ड थ्रू द फाइन क्लॉथ एंड बेसिन ऑफ द कोल्ड वाटर, एंड हियर इट इज रिजोलिडिफाई इमीडिएटली, देन इट इज प्रेस थ्रू ए पिचकी और फरनी। ये दोनों वर्ड याद रखना है, पिचकी और फरनी क्या है, विच स्क्वीज द वैक्स इन टू नूडल लाइक शेप, एंड दीज वैक्स वायर जो थे आर देन वाउंड अराउंड टू द शेप ऑफ एंटायर इमेज। उसके बाद द इमेज इज नाउ कवर्ड विद थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट, इस पे लगा दिया जाता था, मेड इक्वल पार्ट ऑफ क्ले सैंड एंड काउडंग इन टू एन ओपनिंग, ओपन वन साइड क्ले पॉट को फिक्स कर दिया जाता था, एंड इन दिस मोल्टन मेल्ट जो मेटल है इसको पोर्ड। देन द वेट ऑफ मेटल इज टू यू बी 10 टाइम्स वैक्स का, 3 टाइम्स मेटल होता था, 10 टाइम्स वही द वैक्स वेट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एंटायर प्रोसेस। पहले कितना हम मोम वगैरह ले रहे हैं उसको नाप लेते थे। दीज मेटल लार्जली स्क्रैप मेटल फ्रॉम द ब्रोकन पॉट एंड पैन्स व्हाइल द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन द क्ले पॉट एंड क्ले प्लास्टर्ड एक्सपोज्ड टू फायरिंग, एंड एज द वैक्स इनसाइड द मेल्ट, जब ये मोम पिघलता था, मेटल फ्लोज डाउन द चैनल एंड टेक्स ऑन द शेप ऑफ द वैक्स इमेज, फिर उसी की इमेज ये ले लेता। देन फायरिंग प्रोसेस इज काउड, जो फायरिंग प्रोसेस है इज कैरिड आउट ऑलमोस्ट लाइक ए रिलीजियस रिचुअल एंड केप्ट ऑल दिस डेड साइलेंट। ठीक है, द इमेज इज लेटर चिजल्ड विद द स्मूथ एज फिनिश। ठीक है, कैस्टिंग ए ब्रॉन्ज इमेज इज पेन स्टेकिंग फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइव, एंड इसमें बेसिकली मास टाइप के मेटल आप यूज कर सकते हैं, एलॉय ऑफ 5 मेटल, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड लेड, इसमें कास्ट ऑफ ब्रॉन्ज इमेज आप बना सकते हैं। यू कैन सी इसने बनाई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 3rd सेंचुरी, जस्ट अ मिनट,
आंध्र प्रदेश थर्ड सेंचुरी के आसपास सेम टाइम में देर इज सिग्निफिकेंट चेंज जिसमें ट्रैपिंग स्टाइल ऑफ द मोंक्रो बुद्धा की राइट हैंड को अभय मुद्रा कि उसने मतलब हाथ को ऐसे सा कर रखा है मतलब आशीर्वाद देने के टाइप का था थोड़ा सा कि उनको कोई बिडर नहीं अभय मुद्रा फ्री सो दैट ही वाज ड्रेपरी क्लिंग टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी द रिजल्ट इज ए कंटिन्यूअस फ्लोइंग लाइन ऑफ द फिगर एंड एट द लेवल ऑफ द एंकल बुद्धा फिगर जो था ड्रेपरी मेक्स ए कॉन्स्पिशियस कर्वी लीनियर टर्न एंड हेल्ड बाय ए लेफ्ट हैंड एंड इन एडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ गुप्ता एंड वकाटक ब्रॉन्ज दैट इज वेरी पोर्टेबल एंड मॉन्क्स कैरिड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअल वर्शिप के लिए और इंस्टॉल करते थे इसको बुद्धिस्ट विहार में एंड इन दिस मैनर डिक्लाइन क्लासिकल जो क्लासिकल स्टाइल थी ये अलग अलग पार्ट में फैल गई थी इन एशियन कंट्रीज हिमाचल प्रदेश और कश्मीर रीजन में ब्रॉन्ज इमेज बुद्धा के यहाँ पे बनाए जाते थे हिंदू गॉड के भी और गॉडेस के भी मोस्ट ऑफ दीज वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द 8th, 9th, and 10th सेंचुरी में ज्यादा बनाए गए थे वेरी डिस्टिंग स्टाइल थी कंपेरिजन विद द ब्रॉन्ज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री नोटवर्दी डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोनोग्राफी विष्णु इमेज फोर हेडेड विष्णु अब बनाया गया है इसको क्या बोलते हैं चतुरानन और वैकुंठ विष्णु वाज वर्शिप्ड इन दीज रीजन व्हाइल द सेंट्रल फेस रिप्रेजेंट वासुदेव द ब्रॉन्ज कलर हिमाचल प्रदेश से लिया है एंड अदर आर नरसिंह और वरहा नरसिंह अवतार जो था एंड महेश मुर्दिनी दुर्गा इमेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरी डायनेमिक ब्रॉन्ज था इस टाइम ये नटराज का चोला टाइम पर चोला पीरियड के टाइम का तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कितने हैंड है नटराज के प्रीलिम्स में आया था इस टाइप के क्वेश्चन याद रखने बुद्धिस्ट सेंटर जैसे नालंदा जो किस किसका था स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग इमेज यहाँ पे भी बनाई जाती थी अराउंड द 9th सेंचुरी के आसपास पलार डायनेस्टी के रूल के टाइम पे एंड इन द गैप ऑफ फ्यू सेंचुरीज स्कल्प्टर एट कुकीहार नियर द नालंदा के आसपास वर एबल टू रिवाइव क्लासिकल स्टाइल ऑफ गुप्ता पीरियड रिमार्केबल ब्रॉन्ज इज फोर आर्म्ड अवलोकितेश्वरा तो याद रखना है विच इज गुड एग्जाम्पल ऑफ मेल फिगर ग्रेसफुल त्रिभंगा पोस्चर में तो इसके बॉडी तीन शेप में वो ही है एंड वो वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस वाज अडॉप्ट विच इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ वज्रयाना फेज जो कि बुद्धिज्म में था इमेज ऑफ तारा बिकेम वेरी पॉपुलर सीटेड ऑन द थ्रोन शी इज अकंपनीड बाय ए ग्रोइंग कर्वीलिनियर लोटस स्टॉक एंड हर राइट हैंड इज अभय मुद्रा देन ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक जो थी मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ट्रेडिशनल आइकन रीच एट द हाई स्टेज किसके टाइम पीरियड में साउथ में अराउंड द ऑल द ब्रॉन्ज इमेज वर मॉडल्ड एंड कास्ट ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड 8th और 9th सेंचुरी में सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एग्जीक्यूट स्टैचू यहाँ पे थे चोला पीरियड में तमिलनाडु के एंड फ्रॉम द 10th टू 12th सेंचुरी एंड द टेक्निक एंड द आर्ट ऑफ फैशनिंग ब्रॉन्ज इमेज इज स्टिल स्किलफुल प्रैक्टिस की जाती थी साउथ इंडिया में पर्टिकुलर इन कुंभकोणम एंड डिस्टिंक्ट पैटर्न किसका था यहाँ पे ड्यूरिंग 10th सेंचुरी ऑफ विडोड चोला क्वीन जिसका क्या नाम था सेम्बियन महादेवी उससे पहले नटराज के बारे में देखते हैं नटराज किसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं शिवा के साथ एंड ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड डांसिंग पोजीशन में इसको दिखाया जाता है तो नटराज से रिलेटेड सारी बातें याद रखें इन चोला पीरियड में ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाया गया है बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द राइट लेग कि राइट लेग पे खड़े हैं एंड सप्रेसिंग द अप्सरा और अप्सरा को मार रहे हैं ठीक है द डेमन्स ऑफ किसका है इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस विद द फुट ऑफ सेम लेग और इसी लेग से ये बैलेंस बनाए हुए और इसी को अपने उसको मार रहे हैं एट द सेम टाइम उन्हें हैज ही रेजेज हिज लेफ्ट लेग को यहाँ उठा रखा है इसको क्या बोलते हैं भुजंग त्रिस्ता स्टांस ये वाला वर्ड याद रखना किसके साथ एसोसिएट है इतना बस नटराज की उसके साथ इसका रिप्रेजेंट त्रिभुव दैट इज किकिंग अवे द वेल ऑफ माया इससे माया को दूर भगा रहे हैं जो कि इसमें ठीक है इस फोर आर्म्स तो ये क्वेश्चन आया था कि कितने आर्म्स है फोर आर्म्स आर आउटस्ट्रेच एंड द मेन राइट हैंड इज पोज्ड इन अभय मुद्रा तो अभय मुद्रा ये वाला पोस्टर होता है पोज इन अभय हस्त और जेस्टर सजेस्टिंग अपर राइट होल्ड द डमरू इज फेवरेट यहाँ पे डमरू भी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीट ताल
ठीक है, द अपर लेफ्ट हैंड जो था यहाँ पे फ्लेम है विद द मेन लेफ्ट हैंड इज डोल हस्त, ये सब एंड कनेक्ट विद द अभय हस्त, इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। एयरलॉक जो है वाई बोथ द साइड टचिंग द सर्कुलर ज्वाला, यहाँ पे ज्वाला दिखाई गई है एयर्स के साथ। एंड गर्लैंड ऑफ फ्लेम्स विच सराउंड द एंटायर डांसिंग फिगरेशन यहाँ पे दिखाई गई। उसके बाद अमोंग द पलवा पीरियड सॉरी चोला ब्रॉन्ज आर द मोस्ट सोट कलेक्ट आइटम ऑफ द आर्ट लवर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, पलवा ब्रॉन्ज पीरियड जो था वो 8th सेंचुरी आइकन ऑफ शिवा बना जाते थे। अर्ध प्रियंका आसन जिसमें क्या है 1 लैग कैप डिंगलिंग इस टाइप से। दिस राइट हैंड जो था अच्छमान मुद्रा, ये भी याद रखना, सजेस्ट क्या करा कि अबाउट इज टू ड्रिंक पॉइजन, जहर पीने के बारे में सोच रहा है। द वेल नोन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा जो एज ए नटराज दिखाई गई है इवॉल्व एंड फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड के टाइम एंड सिंस देन मेनी वेरिएशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स ब्रॉन्ज, ये भी यहाँ पे दिखाई गई। एंड वाइड रेंज ऑफ शिवा आइसोनोग्राफी यहाँ बताई गई है वाज इवॉल्व इन द थंजावर, थंजावर में इसको दिखाया गया है 9th सेंचुरी में। कुल्यान सुंदरा मूर्ति जो है हाईली रिमार्केबल है फॉर द मैनर इन विच बड़ी घराना जिसको क्या नाम है सेरेमनी ऑफ मैरिज इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सेपरेट स्टैच्यूज। स्टैच्यू विद हिज एक्सटेंडेड राइट हैंड एक्सेप्ट द पार्वती एज ए ब्राइट राइट हैंड हु इज डेपिक्ट एज ए बसफुल एक्सप्रेशन एंड टेकिंग ए स्टेप फॉरवर्ड। द यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती इज वेरी इंजीनियसली रिप्रेजेंट कर रही है अर्ध शिरोवासुर मूर्ति इन सिंगल इमेज, ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट फिगर यहाँ पे दिखाई गई हो। पार्वती हैव आल्सो बीन मॉडल्ड स्टैंडिंग इन ए ग्रेसफुल त्रिभंगा पोस्चर एंड ड्यूरिंग 16th सेंचुरी विजयनगर पीरियड जो था आंध्र प्रदेश में स्कल्पचर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे पोर्ट्रेट स्कल्पचर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द नॉलेज ऑफ रॉयल पैटर्न ऑफ प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे तिरुपति लाइफ साइज स्टैंडिंग पोर्ट्रेट स्टेचू बनाया गया था ब्रॉन्ज में, डेपिक्ट किसको करा था कृष्णा देव राय को उनकी दो क्वीन के साथ देन तिरुमल्लम्बा एंड चिन्ना देवी। द स्कल्पचर हैज कंबाइंड द लाइकनेस ऑफ द फेशियल फीचर विद सर्टेन एलिमेंट ऑफ आइडियलाइजेशन एंड द आइडियलाइजेशन इज फर्दर ऑब्जर्व इन द मैनर ऑफ फिजिकल बॉडी एंड मॉडल टू अपियर इम्पोजिंग एज वेल एज ग्रेसफुल एंड द स्टैंडिंग किंग एंड द क्वीन आर डेपिक्टेड इन प्रेइंग पोस्चर दैट इज बोथ हैंड नमस्कार मुद्रा में इसको दिखाया गया। सो दैट्स इट, इस चैप्टर में आपको नटराज से रिलेटेड एंड जितने भी लोस्ट वैक्स टेक्निक से एसोसिएटेड वर्ड थे वो याद है, क्योंकि ब्रॉन्ज से क्वेश्चन हर बार पूछ जाता है, ब्रॉन्ज एज बोला जाता है हमारी सिविलाइजेशन को, ये भी आपको याद रखना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।